नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में चले अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों को ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन देने का दावा कर रहे हैं, वहीं कई अधिकारियों की आंख में रड़क रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी पर दाग लगाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में हर बार सीएम सिटी को ही इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सफेद दामन पर काले छींटे लगाए जा सके और विधानसभा चुनावों में सीएम सिटी में चल रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में पाक साफ है। ऐसा ही एक मामला आबकारी कराधान विभाग में उजागर हुआ है, जिसमें व्यापारियों से जबरन और दबाव डालकर रिश्वत की उगाही की जा रही है। हैरानी की बड़ी बात यह है कि यह सब विजिलेंस विभाग कार्यालय की सरपरस्ती में हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के व्यापारियों ने सेल टैक्स विभाग द्वारा जबरन वाहन पकड़े जाने पर करनाल में आकर विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुधरे। व्यापारियों ने हालांकि कागजात भी उपलब्ध करवाए। जब अधिकारियों को लगा कि व्यापारी उन्हें रिश्वत देने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने व्यापारियों पर जुर्माना ठोक दिया। इस मामले में जब हमने विभाग के अधिकारी डीईटीसी आनंद सिंह से बात की, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यानी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते फिर रहे थे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको विभाग के इंस्पेक्टर और व्यापारियों के बीच की हुई बात का खुलासा सुनवा रहे हैं और आपको एक बड़े अधिकारी की व्यापारी से क्या डील हो रही है ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे ये अधिकारी किस तरह से ईमानदार मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर किस तरह से पलीता लगा रहे हैं। अब आप सुनिए व्यापारियों और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत और डील का ऑडियो। कौन मना करके गया? अरे यार, वो पैसे के लिए 25,000 रुपए के लिए वहाँ पे करना वाले। भाई साहब, जब मैं आपको 2 लाख दे सकता हूँ, काजान जी से कहना, जब आपको मेरी बात ठीक है, तू एक बार उससे बात तो कर ले जरा। मेरी बात सुन लो, मेरी बात मना करते हो भाई साहब, अपनी बोलो या मेरी सुन लो। सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काजान जी से ये कहिए कि जब मैं उनको 2 लाख दे सकता हूँ तो 25,000 रुपए के लिए 2-4 घंटे इंतजार तो कर ले। मतलब यार, इस बात पर तू पहले यार सीधी सी बात, मेरी गल नहीं कर रहा तुमसे, मैं कह रहा नहीं तो यार तुम मेरे ऊपर चिल्ला किस लिए रहे हो भाई? आप मेरे ऊपर चिल्ला किस लिए रहे हो पहले ये बताओ। समझा नहीं मैं तेरी बात ना। नहीं, आप मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या मैं चिल्ला दिया तेरे ऊपर? मैं आहिस्ता बात करो, एक तो आवाज नीची करके बात करो भाई। क्यों आवाज नीची करके बात करो? चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है, और वरना कह दो कादियान साहब से डायरेक्ट बात करें, आपका मेरा कोई मामला नहीं है, समझे आप? अच्छा, हाँ बोल दो उनको, और दोबारा फोन मत करना, बता रहा हूँ। वो उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्यों भेजा था, मैं तो मना कर गया था कि नहीं जाऊंगा दोबारा। ठीक है, उनको अपने पैसे आपके पास सेट कराने थे तो उन्होंने भेज दिया था, मैंने दे दिए थे। चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, उनसे कहना जो बात है मुझसे डायरेक्ट कर लें, चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। जब मैं तू का नाम बोला कर सकता हूं तो 25,000 मेरे लिए कुछ नहीं है। तू मेरी बात सुन, ज्यादा हम नहीं आओ तुम का 25,000 रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात है, तेरे 25-25 तू मेरे लिए ज्यादा हम ना, मैं कमतर तनु कर रहा हूं। क्या कह रही हूं? हां भाई, अगर तू जाते तो मैं भी पठान हूं, ये भी समझ ले। पक्का? हां पक्का पक्का। चलो कोई बात नहीं बेटे, बता रहा हूँ मैं, बेटे बेटा ना, कोई बात नहीं, कोई बात बेटा ना, फिकर ना करे बेटा ना, बता रहा हूँ बेटा बेटा ना कहियो, बता रहा हूँ। कोई नहीं, बात कर तमीज के साथ, तू कोते ना बोल रही, इतना तमीज से बात कर, मैं कह रहा हूँ ना तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, वरना दिल्ली और पानीपत बहुत दूर नहीं है, ये भी समझ ले। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे समझ में, वरना बोलते अपने पिताजी को कि डायरेक्ट बात करें। सालों से बात नहीं करता मैं, बहनोइयों से बात करता हूँ, समझ गई? अच्छा हाँ, बस
हेलो मेरा नाम लेना। हेलो हेलो हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? ठीक। हाँ, मैंने वो बोला था ना, सर ने बोला इसके साथ बात करो भाई के साथ। कहाँ पे है तू? मैं हूँ दिल्ली में। सुबह आ जा फिर। अब आप बोलो ना। अगर ना सामान सामान का तेरे को मैंने बोल दिया था, सुबह आ जा तू, ठीक है? अच्छा अच्छा और जो मैंने बोल रखा है उसका कम नहीं होगा, हाँ उसे कम नहीं होगा। अब भाई वही परेशानी है ना, फिर तो मैं आज ही आया होता ना। ऐसा भाई तू तो अपने अपनी परेशानी खुद बढ़वा रहा है, ठीक है? अच्छा, तू अपनी परेशानी खुद बढ़वा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर मैं तो कुछ नहीं करना यार, ना तो मेरा कुछ है, ना मेरा कुछ है यार, ना मेरा लूंगा ना मेरा लूंगा, ठीक है? तू अपनी परेशानी खुद बढ़वा रहा है। साहब ने बोला था ना, उनने मेरे से रिक्वेस्ट की, अब आप उसी से बात करो, वो करेगा खुद ही। अबे यार तू जो बोल रहा है, तू मेरे से कुछ बोलता है, तू साहब से कुछ बोलता है। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तेरे से बोल दिया था ना, जो वही है, उसमें थोड़ा मोटा फर्क हो सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वही मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। अब बोलो फिर तो सामान लाऊंगा ना साथ। लिया ये सामान लेकर आइए, तो अपना सारा अपना सामान लेकर आइयो, जो मैंने बोल रहा था थोड़ा मोटा, ज्यादा 19-21 का फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ आएगा या नहीं आएगा मेरे को बता दीजिए, मैंने सुबह निकाल भाई, मेरे पास है नहीं ना वो, फिर कैसे आऊंगा? वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ना सामान है नहीं। अच्छा अच्छा, फिर आगे बढ़ रहा तुम। मुझे बहुत परेशानी है, ये परेशानी तो सबको है भाई, क्या करें, ये काम ऐसा है, परेशानी है, काम आप तो कम कराओ, वही मैं बोल रहा हूँ, कम कराओ, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन इतना होना चाहिए, फिर तो मैं कल ही निपटता ना। मैं क्यों अपने दिन जाया करता? मेरे को तो खर्चा भी जेब से जा रहा है ना, मैं क्यों दिन जाया करता? देखे तेरी गाड़ी, तू गाड़ी खड़ी खड़ी की दिहाड़ी देगा इसकी, ठीक है? तेरे से दिहाड़ी भी देगा इस गाड़ी के, तू गाड़ी वाला भी पैसे लेगा तेरे से खड़ी के। वो तो मुझे भी पता है गाड़ी वाला पैसे लेगा, वो तो मुझे भी पता है, तू अपनी टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन भाई अगर मेरे पास हाथ में होता तो मैं अपना परेशानी नहीं बढ़ाता ना। अच्छा, वही मुझे परेशानी है, मेरे पास है नहीं। मैंने बोला आपको कल भी, मुझे ब्याज पे लेना है किसी से, लेकिन इतनी परेशानी में थोड़ी बढ़ाता खुद को। इतना अब कर दो आप ही भाई के लिए। कितना है भाई, पैसा कितना है तेरे पास? मेरे पास मैंने घर से 1,00,000 रुपया लाया है और ब्याज पे लेगा 1,00,000, और क्या करेगा? कितना? मैंने बोला 1,00,000 रुपया मेरे घर से लाया है, 1,00,000 में ब्याज ले लूंगा, और क्या बोलूंगा? आजा कल तू इतने लेगा, आजा कल देखते हैं। चलो ठीक है, वो कराना है ना, वो कैसे कराऊंगा? वो इधर से कराना है कि उधर ही? सुबह का तू सुबह टाइम से आजा जल्दी, ठीक है? कितने बजे आजा? सुबह आजा यार, तू सुबह ही आजा। कितने बजे आजा? 10 बजे तक आजा। 10 बजे तक, ठीक है। कुरान अस्पच्छे हेलो। हाँ जी सर। हाँ कौन बोल रहा है? आसिफ बोल रहा हूँ सर। आसिफ प्रशांत कादन बोल रहा हूँ सर। आसिफ मेरी बात सुन, तेरी दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना? जी सर। अब दो गाड़ी मैं चाहे तो दोनों लेके जा सकता हूँ तेरी। जी सर, मुझे पता है, ठीक है ना? और बाकी बात ऐसी है, मेरी बात सुनो। जी सर, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप खुद आओगे तो ठीक रहोगे, किसी दलाल को बीच में डालोगे ना, किसी को जो जो, वो जो तो भी, मुझे आप... भी पता है, ठीक है ना? वो उसने पिछली बार तुमसे क्या किया उसने? मुझे पता है सर सारा। नहीं, पिछली बार उसने क्या किया तुमसे, कितने लिए उसने? सर मुझे पता है, उसने उसमें बीच में 50 खाए। नहीं उसने, आप कितने लिए आप मुझे बता दो, कितने लिए? 320 लिए हैं सर। उसने 50 नहीं खाए, उसने 80 खाए, 90 खाए, ठीक है ना? ठीक सर। उसने 90 खाए बीच में? जी सर। ठीक है ना? अब ऐसा है, दो गाड़ियां तुम्हारी, दोनों गाड़ी लेके जाऊं मैं तेरी? नहीं सर प्लीज, आप बोल दो, ऐसे ही कर दूंगा मैं आपका काम सर। नहीं ऐसा है कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं अभी गाड़ी लेके जाऊंगा तेरी, ठीक है? तुम्हें छोड़ दो, मैं ऐसे ही दिला दूंगा उधर ही। सुन मेरी बात, ठीक है? ऐसा है,
मेरी बात सुन, उनसे बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी लेके जा सकता हूँ भाई तेरी, ठीक है? मुझे वो पता है। और मैं ये कह रहा हूँ आसिफ, मेरी बात सुन ले, वो जो दो बंदा है ना, वो बंदा ठीक नहीं है, वो बिना बात तुम्हें कहना। पता है वो, मुझे पता है वो, तो मुझे मैं समझ गया उसी दिन, मैं उससे बात नहीं करता हूँ सर, ठीक है ना? और जब वो आएगा तो मेरे से ऐसा है कि मैं जैसे जो ये जैसे फॉर्मों के बिल है ना, उनको फोन भी करूँगा, तुम्हारे पर्चे दर्ज होंगे फिर। जी सर, सर मैं लेकिन बीमार हूँ बहुत, आप ड्राइवर से पूछ सकते हो, मेरे को ये दवाई ने रिएक्शन किया था अंदर से। तो क्या चाहता है तेरी दो गाड़ियां, क्या करूँ मैं सर? बोल दीजिए आप ऐसे क्या करना है, मैं उधर ही दिलाऊंगा हाथ के हाथ, लेकिन सर भाई का ख्याल रखना आगे। आगे से ख्याल रखूंगा तेरा, मैं चिंता ना करे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा है, वो अभी क्या कहते हैं, कौन है तुम्हारा वहाँ पर, कहाँ पे? दिल्ली सर, दिल्ली में कुछ नहीं करना, ये जो ड्राइवर गाड़ी में है यही दे देगा। अरे भाई यार वो नहीं कर, बिना बात वो मत कर, ठीक है ना? ठीक है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि तू अपने उसका फायदा कुछ दी, मैं ये कह रहा हूँ परिचित, मैं तेरी दोनों गाड़ी लेके जानी मैंने अपनी बात है। नहीं सर लेनी नहीं है, अब भाई का ख्याल रखो। अरे नहीं गाड़ी तो भी दे, एक जाएगी जाएगी भाई, तो दो भी जाएंगी वैसे। सर भाई का ख्याल रखो प्लीज, क्योंकि मैं बहुत कसम से, आप ड्राइवर से पूछो, बोलो इसको क्या हालत है। कोई नहीं ऐसा है आसिफ, मेरी बात सुन है। जी सर, मुझे पता तुम्हें क्या नाम गुमराह कर रहे हैं लोग, ठीक है? नहीं सर गलत बात है, सुने सुन सुन तो लो, मैं कहता हूँ लोग क्या नाम है, वो जो है ना ये जो बीच में सारे दलाल है, ठीक है ना, तुम्हारा ही नुकसान करा रहे हैं। सर बहुत नुकसान कराया बहुत। अब ऐसा है मेरी बात सुन ले, मैं तेरी ना अब एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ, एक गाड़ी छोड़ रहा हूँ सर, प्लीज अब छोड़ दो। सुन 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 मेरी बात, मेरी बात सुन ले, बोलो सर। आसिफ नहीं तो दोनों लेके जाऊंगा तेरी रिक्वेस्ट पे, क्या नाम है, गाड़ी छोड़ रहा हूँ। सुन ले मेरे, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो क्या नाम है, पिछली बार उन्होंने तुम्हारे साथ गलत कराया, सुन ले मेरी बात सुन है। जी बोलो। अब मुझे गुस्सा तो इतना था, मैं दोनों गाड़ी लेके जानी थी मैंने, वो तो मुझे पता है, ठीक है ना? तो अब मैं तेरी अब इसलिए करके, चलो तू क्या नाम है रिक्वेस्ट कर रहा है, और तू चलो आ जाना वैसे के ना मंडे को आ जाना, मैं तेरी गाड़ी छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? दूसरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक, अब एन मंडे आ जाना वैसे, और मंडे मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो आएगा तो साथ में देख ले, बाकी गाड़ी कोई बचेगी नहीं सर। सर अगर मैं उसके साथ आऊंगा ना, किसी के साथ भी, अब मेरी गर्दन हटा लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ बात नहीं करता हूँ। अब अगर भाई पे एक मेहरबानी करोगे, गाड़ियाँ छोड़ो, जो करना है मैं करूंगा, दिल्ली आके अभी करनाल आके मैं करनाल की टिकट निकालूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा है मेरी बात सुन, भाई पे विश्वास रखो। आसिफ आसिफ मेरी बात सुन ले, रीजन पता क्या है? जी सर रीजन है ये है कि मेरे पास एक गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? जी एक गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, दूसरी गाड़ी की नहीं है, दूसरी गाड़ी छोड़ रहा हूँ। जी सर ठीक, दूसरी गाड़ी से गाड़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? जी सर हाँ, इस बात का क्या नाम, कोई नहीं, आगे उतना ध्यान रखेंगे, लेकिन आना खुद ही, उसको आया तो फिर बात खत्म है। ठीक है चलो ओके सर, लेकिन अगर मुकाओगे तो मैं दिलाऊंगा अभी। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, आसिफ मेरी बात सुन, आ जा एक बार आराम से, कहना आ जा तो कोई चक्कर, ठीक है? ठीक सर ठीक। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ भाई सर, क्या हाल है? बढ़िया भाई। और ए सर अब इसमें गाड़ी में किशमिश है, खराब हो जाएगा है? सर ये जिरिश खराब हो जाएगा किरियाना। तो पर भाई पर्ची तुमने कटवानी है? वो तो मुझे पता है, लेकिन अब भाई के लिए रहम। ऐसा है मेरी बात सुन। या अभी हेलो। हाँ जी बोलिए सर। आज आ जाना था तुम्हें? कब आ जाने कह तो रहे थे तुम? आज सर हम गए थे ना फिर दिल्ली। चलो कोई नहीं, कल आ जाओ फिर। कल आ जाऊं? हाँ चलो ठीक। लेकिन पल्ले कह रहा हूँ भी, देखा सर आसिफ अगर वही बात करने पर तो रहने देना नहीं। कौन सी बात है? वही कहता जी के नाम ये कर दोगे, अपने पर्ची पूरी कटवा ले तो चक्कर नहीं। पूरी नहीं, उसका मैंने बोला ना उसको कम कर दो। ऐसे तो लोग कल आ जाओ, कल देखते हैं। वही है ना, मुझे भी उतना होना चाहिए, फिर वहां आके जाया नहीं होना चाहिए, यहाँ से मेरा 1-2 हजार दिन का खर्चा होता है। फिर तभी तो कह रहा हूँ मैं, देखा ऐसा है, देखा मेरे मंत्र को पहले के लिए बात करिए सारी बात, ठीक है ना? देख ऐसा है कि
अगर देख ले अगर ढंग से पर्ची कटवा सकते ठीक है ना से रहने दे। मैं तो बोल रहा हूँ ना मैं कटाऊंगा लेकिन तीन से कम, तीन तो बहुत हो गए, तीन तो बहुत हो गए ना। तीन किसने बोला आपको? वो क्या नाम है उनका, वो थे ना आपके किसने, वो कौन वो है सर जो वो दाढ़ी वाले थे उसने तो मैं तीन ती, तीन किसने बोला, मैं बोला ही नहीं उसको कुछ भी। उससे क्या बात हुई तुम्हारी? सर उसी टाइम हो गए ना उधर ही, उनने बोला फोन कर रहे क्या करना है। अरे मैंने मैंने कौन सा फोन किया यार उसको, उसका तो वो था कि उसकी गाड़ी पकड़ी गई, मेरे दोस्त है यहाँ पर सुनील ढिल्लों, सुनील ढिल्लों गई थी पानीपत में, उसने उसकी गाड़ी पकड़ रखी थी। ठीक हाँ उनने बोला था ना फिर मैं ऐसा है मेरे, मैंने उससे कोई बात नहीं करी। अच्छा हाँ वो तो अपने तरफ से तुम्हें कहना ऐसा है तेरा वैसे कहना मैं वो बड़ी आओ सर, लेकिन ये मैंने उसको नहीं बोला कुछ। अच्छा 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 नहीं उन्होंने बोला था ना फोन कर रहा है तो क्या करना है इसीलिए मैंने बोला। मैं तो उसका जो फोन किया ना उसका जिस पानीपुर में गाड़ी पकड़ रखी थी ना हाँ? वो मेरा बैचमेट है तो उससे मैं फोन करा रहे थे मुझसे। ठीक है तो फिर उसका वो फोन उठाया नहीं था उसके, और मैंने फोन किया था मैं कहना मैं उसका फोन उठाया वो कल आएगा, कल उसे कल मैंने उसको बोल दिया कम करने के लिए गाड़ी छुड़वा लेना चाहता है। अब फिर आप ही बोलो ना सर क्या करना है, अब बोल दो मैं थोड़ा भाई का सुन तो, अब भाई का सुन तो ना। अच्छा मैंने उसको ना तो बोल दी के ना इनकी पर्ची कटवा लेगा, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है मैं तो लास्ट में ये कर सकता हूँ, अपने कहना में ऐसा है कि पूरी पूरी पर्ची कटा लो 5 लाख का सामान लेना मैं पूरी पर्ची कटवा लेना, कोई वो बात नहीं, अपने पूरे पेमेंट कर देना और 5 लाख ही कर देना। सर वो तो बहुत हो गए ना, वो तो बहुत मुसीबत हो गया, वो कहाँ से लाऊंगा मैं 5 लाख। चलो भैया फिर क्या करें, तो कोई निकल आ जाए फिर। ठीक है सर फिर आना, मैं तो वहाँ आके फिर मुझे वही परेशानी और बढ़ जाएगी ना सर, मैं वहाँ आके यहाँ से तो मुझे सर अब देख लो मुझे कितना खर्चा होता है यहाँ पे, मैं कश्मीर से आ गया यहाँ। अब मेरा सोच लो, देखो मैंने आपको बोला आप मुझे कर दो कम, फिर बाकी जो करना है आप खुद कर दो, जो भी करना है आपको उसका मुझे कोई टेंशन नहीं। अरे टेंशन की तो बात कर रहे थे, क्या टेंशन की बात है, काम ऐसा है कि सुनने मेरी बात। ऐसा मैंने तो मैंने उसको मैंने बिल्कुल नहीं बोला उसको कि ना मैं तीन ताने के लिए कुछ नहीं बोला। ठीक है मैंने लास्ट में अपना कहना ऐसा है कि मैं तो बोल के मैं 6 लाख की पर्ची कटवा लेना लास्ट में, लेकिन तुम ओवर कम करते हो 5 लाख की पर्ची कटवा। बाकी ऐसा है कि तुम अभी तो फोन पे तुमसे क्या वो करूँ मैं सर, आप तो भाई हो ना मेरे, मैं थोड़ी ना मेरे साथ आप क्लियर कर लो, मुझे क्या टेंशन है सर। नहीं वो सर, क्योंकि नहीं, देखो वहाँ आना फिर वापस आना, अब देखो मुझे कितना खर्चा होता है। चलो अच्छा मैं उसी के उससे बात करता हूँ, उसने क्यों बोला तो वैसे। ठीक है सर आप ही बोलो ना, आप छोड़ो ना, आप भाई हो आप डायरेक्ट बोलो, आप छोड़ो उस बात को। अरे नहीं मैं तो उसके वो उसने क्यों बोला भी ऐसे, मैंने पता ही नहीं सुन। ठीक है ना मैं तो भाई पर्ची कटवा लिया अपनी। ठीक है ना सर वही मैं बोल रहा ना, आप बोलो ना कितना तो प्लीज। तो मेरे पास सुनो कितने की पर्ची कटवाने की सोच रहे हैं, तो कितने की पर्ची कटवाने की सोच रहे हैं सर? मैं लास्ट दो तक हैं, दो लास्ट उससे ऊपर नहीं है, अल्लाह की कसम घर से लास्ट निकल आया हूँ। मेरी बात सुन दे, ऐसा है मेरी बात सुन, ऐसा पर गाड़ी तेरी खड़ी रहेगी भाई। ठीक है ना ठीक, मैंने तरह उसको नहीं बोला पैसा ऐसा है, लेकिन अगर यही बात करने का तुझे 202 की पर्ची काट दो ऐसे ये कर दो कर दो फिर तो क्या ना मारगी, लेकिन ऐसा है कि उसके बाद देख ले अपना कोशिश कर ले करके कल आ जाए कल मैं और कम कर सकता हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ। ठीक है सर आप एक काम कर दो, 20 में कराता हूँ RTGS, बाकी मैं आपको देता हूँ 2। अरे नहीं भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले वो कोई बात नहीं, ऐसा कर सुन मेरी बात कल आ जा। ठीक है ठीक कल आ जा, कल देखते हैं कि क्या बन सकता। ठीक है
चलो सर आपकी मर्जी। हाँ कल आ जाओ, कल इसका देखते हैं। लेकिन सर मुझे कल और आना नहीं होना चाहिए जाया। हाँ आना जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरे ऊपर बात है, तू जाया करना चाहता नहीं करना चाहता जी, वो तेरे ऊपर बात है, तू चाहता है कि नहीं चाहता है कि क्या नाम जाया कराने एक बार मैं, ठीक है ना सर। अगर आप इसमें करोगे ना मैं फिर साथ ही लाऊंगा ना वो भाई मेरे, ऐसा है पहले तुम उससे बात करूँ किसने पूछा, वो आराम से बात करता हूँ किसने क्यों पूछा है, बात करता हूँ। इसमें हमेशा इतने ही होते हैं। अच्छा, और इसका लगभग काम ठीक होता है मेरे को तो, इसका 95% गुप्ता जी मैं तो एक बात कहता हूँ कि 70% अगर गाड़ी सही लग रही है तब भी ओके है, चलो भी जाने दो। नहीं नहीं इसका नाइन ऐसा नहीं यार, हमारे को बिलो जाए क्या होता है कौन क्या कर रहा है, इसका ना 90+ जी ठीक होता है जी जी। तो हमने भी फिर दो चेक किया तो बाकी बार बिना किसी से जी जी तो भेज दिया जी जी जी। अब वो तो मुझे पता है, पता चल गया कि सत्यवीर ने गाड़ी पकड़ी थी, वो नया आया वहाँ गुड़गांव से। हाँ पता नहीं किसने उसको बता दिया, कुछ एक दो उठे ना बकाने वाले भी। हाँ जी हाँ जी, और मैंने उसको किसी ने कहा जैसे छोटे छोटे बिल दे के आया था रोक ली रोक ली। उसके बाद फिर वो दो दिन वो अपने घर इधर जाता है कहीं वहां से ले गया, तो मैंने कहा भेजा नहीं पता नहीं ऐसा ना, ये जो लवली सरदार है ना ये अब सारा अपने को दिखाता है यहाँ प्रधान की। अच्छा 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 अच्छा, इसका क्या होता है सारा जो गलत पे काम मेरे तो एक साल पहले बाला पड़ा रहे मन तो सीधा कर रहा था पर्ची लगाती थी और इसकी उसको सांस भी दे रहा था, सांस भी करवाया था, तो तेरे को हम मोबालाइज भी कर रहे हैं और तो ये मतलब बड़ी वो बोले छोटे बहुत पर्ची घटेगी भाई और जो रियात थी अपना जो आज रियात हो तो करती थी हमारे से तो उसका कोई कसम फिर रहा नहीं। जैसे एक दो बार ये गाड़ियां हम पेपर देखते हैं तो जिसमें लगता है कि भाई अगर इसकी में गलत है जी वो रोकते भी है, सही बात है। अब इसमें इसको बहाना मिल गया भैया गाड़ी इनकी ठीक थी, सही सही। अब उन्होंने चेक करी ना तो उसे चेक करने में जी, बल्कि मेरे को तो इसने बुलाया था जी जी बात कर रहा था हमारा क्या नारे नूरे ये गाड़ी हमारी ठीक है ये रोक दी वो रोक दी, मैंने फिर बन दी मेरे साथ नारे नूरे चले है ना क्या हो गया नारे तो बहन तो सारा देश लान लग रहा नारे से क्या बना है। हाँ सही बात है, और जम्मू में देख ले कि बहन से नारे नारे लग रहे ये हो रहे हैं, सही बात है। इतने दिन तक लगा रहे नारे तो नारे में बहन तो कुछ हो जाएगा, सही बात है। तो अगर गलत काम करेंगे मान ले इसकी गाड़ी है इसकी साढ़े किलो कम्प्लेट है ही नहीं, अगर ये लगता है ना ये बहन तो एक्चुअली इनकी गाड़ी में बहन तो ना तो मिलता दूर सारे निकाल के रखे हैं। अब जिस आदमी ने सारे ही बिल निकाल रखे टोटल बिल जितने बिल ये बिल निकले हुए हैं और 20-25-30 लाख का माल भी है 30 लाख का गाड़ी में 40 लाख का जी जी, तो उस गाड़ी का रोक के अब भी कहा रोकते हैं गाड़ी में, सही बात है। हम तो ये रोकते हैं इसमें तो बिल है तो बिल सारे कबूतर बिल लगने लगे शकल से पता लगेगा कबूतर बिल कौन से है, हम सारा दिल्ली में भी पता करवा लेते हैं कौन सी फर्म बहन क्या है दुकान है तो सब रोकते हैं गाड़ी, ऐसे थोड़ी बगैर इन्फॉर्मेशन मतलब आ जा मेरे पास चलो ये रोक भी लीजिए ना बाई चांस ही हमारे पास गाड़ी होती चिल्लाता रहता है बहन तो उल्टा की अगर इसी की साढ़े की ऐसी तैसी नहीं करवा दें तो पैस को बुला गया पुलिस को बुला गया सारे अब इंटरेस्ट लिया नहीं दूसरे को उसमें नहीं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही मेरे कि गाड़ी रोकी सत्यवीर ने इसमें हाँ। वो डीटीसी साहब को भी परवीन जी को भी कार्यान साहब को भी सबकी इन्वॉल्वमेंट जो दिखा रहा है। अरे यार पता क्या ये तो अपनी इनकी छूटी होगी ना तो चलो और क्या करे साला बहाना किए इन्होंने भाई आज के तो ये रोकेंगे ये रोकेंगे मतलब अपनी ऐसा ना यार गलती मतलब पुलिस की हो बैंड तो सरकार को पूरी तो नारे लगाना है हरियाणा सरकार ये तो खास खास नहीं होंगे नारे से क्या फर्क पड़ेगा तो बैंड सीएम के रोज लग जाए नारे यहाँ भी वाले हरियाणा वाले पुतला पूछे सीएम का इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। सही बात है, तो ये लोग ऐसे ही है अपनी अब जो ये बंदा था उसके साथ खाने पीएंगे
अपने तो उधर बन रहे हैं, ये चल बगा डाल दी और क्या खा रही हूँ और क्या कर रहा हूँ। जी जी चलो ऐसा ना भाई, यहाँ पे अगर इनका ही होगा एंड तो इनकी दो नंबर की गाड़ी होगी, जो दो नंबर की गाड़ियाँ क्लियर करानी होंगी, जिन्होंने कही ड्रामा कर दो। अब इसमें तो थानी एक नंबर की दिए, तो ये तो पूरी एक नंबर की थी, ये बात सही है। अब इसमें तीन अक्षरों चेक कर लिया गड्डी है, पहले तो कहने लगा भैया उन्होंने हमने खुलवाते खोलने तो पड़ेगी। हाँ जी, इनके नारे लगाने के बाद सारा लगाने के बाद गड्डी भी खुली, चेक भी हुई, हम चक्कू लगाने दे, चक्कू भी लगे, सब कुछ होया। तो थोड़े भी ऐसे ने बाहर गड्डी छोड़ दी छह बार, लेकिन वो तो ये था कि ये साली इतने ये बंदी की तो यार क्या रोकने की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उसने उसने क्या किया, कल कल जो है ना वो आपका जो है वो सरदार अमन अमन जो है जी के लद्दाख वाला, कल उसने न्यू पंजाब मेरे बार न्यू पंजाब वाले को बुलाया, उसके बाद न्यू पंजाब वाले को सफीर भी चौधरी से बंदिया है। अच्छा हाँ, देखो हमने तो ऐसा कर दिया, यूं कर दिया, तो वो और जो तीन चार ट्रांसपोर्टर हैं वो भी गलने हैं, जब ये ऐसा करना है तो हम इनके साथ हो जाते हैं। मैंने क्या ऐसा है बेटे, ये आंधी है, ध्यान रखो, आइए चली जाएगी। अच्छा भी है, अच्छा सफील भी वही था। हाँ जी सफील भी वही था, मुझे तो बाद में पता चली कि सफील भी वही था। मुझे तो बाद में पता चली कि सफील भी वही था। अच्छा हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना कि वो कल मुझसे नू कह रहा था सरदार जो है ना, वो कल मुझसे नू कह रहा था, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है बहुत सारों की, और ये है और वो है और ऐसा और वैसा। मैंने कहा भाई तू जान, हमें नहीं पता यार, तुम अपनी जानो, हमारे हमसे बात ना करो, ना हम जानते ना हमें पता, हमारा कोई काम होता है हम खुद जाते हैं करवाते हैं आ जाते हैं, और सारे जो है वो लोग कोऑपरेटिव है, जैसे भी होता है कोऑपरेट कर देते हैं, कभी हम उनसे अपनी बात नहीं हुआ। सफील भी आया था भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं थी कि सफील भी आया था, इन्होंने सफील को जानबूझ के साथ लिया हुआ क्योंकि उसका बहुत बड़ा काम है, वो दिल्ली की निकलता है, तीन चार गाड़ी है। हाँ जी बहुत जा रही है उसके, अभी भी उसके बाद अभी भी इतना माल है कि अगर गाड़ी वो भरनी भरे तो 20 गाड़ियां चली जाएंगी, उसके बाद आज की तारीख में इतना माल है सफील के, सर जी रोज भेज रही है वो अब कैसे भेजता है, रात में भेजता है, दिन में भेजता है, लेकिन भेजता है। हाँ सफील, असल में सफील का जो मेन काम है ना वो कश्मीर से नहीं है मेन, उसका है कारगिल से, और ये तुम्हारा लद्दाख से, वो तो वहाँ पे जा रहे हैं श्रीनगर का ही है उसका। किसका? न्यू पंजाब वाला श्रीनगर का है, मैं वही तो कह रहा हूँ, श्रीनगर का वो बिल बनाता है तो उसका माल जो है ना आगे जाता है वहाँ से लद्दाख वद्दाख भेजता है वो, उसका मेन काम उधर से ही है। समझिए कि वो वहाँ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है लद्दाख एरिया का, लद्दाख साइड का, उससे बड़ा कोई ट्रांसपोर्टर ना है, इसीलिए वो जेके जो है तो आपका जेके लद्दाख ये उसके बराबर में बैठा हुआ है, जब उसके बाद माल एक्सेस हो जाता है तो वो इसको देता है सफील। ऐसा ना, एक तो जेके ले वाला हो गया, एक जेके ले वाला, एक जेके लद्दाख वाला, ये सारा एक ही ग्रुप है, प्लस ये लवली सिंह जो है ना ये सब एक ही साइड है, ये है सिंगाड़ा चौक की तरफ, ये क्या कहते हैं इसको, अल्लाह आपका भला करे, आजाद मार्केट की साइड, हमारे वाले जो है ये है सिंगाड़ा चौक की तरफ, वहां से 1 किलोमीटर दूर ऐसा है, जिसमें ए टू जेड हो गया, डायमंड कश्मीर हो गया, स्टीम कश्मीर हो गया, जन्नत टेक्सटाइल जन्नत गुड्स हो गया, और ये अल्लाह आपका भला करे न्यू पंजाब राजस्थान हो गया, गुलफाम हो गया, प्रिंस हो गया, ये इधर है जिधर हम है। तो हमारे पास तो ये श्रीनगर के काम आता है, जम्मू का भी नहीं लेते हम लोग तो, न जम्मू का, न कठुआ का, न कहीं का,
लोकली काम लेते हैं श्रीनगर का। कोई नहीं मैंने अपने वालों से दो तीन ने मुझसे कहा ना रात को, तो मैंने उनसे कहा इनके भाई ये आंधी है, अभी बहुत तेज चल रही है, जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो पता चला कि भैया रह जाओगे इसलिए खंबे की तरह अपनी जगह पे रहो, इधर उधर भागोगे तो साले परेशानी होगी, बैठ जाओ। नहीं ऐसा ना, अब ये जो एक नंबर काम कर रहा था सिटी डिपार्टमेंट क्या दिक्कत है, डिपार्टमेंट वालों से क्या लेगा? बिल्कुल सही बात है, कौन क्या लेगा, दो नंबर काम कर तुम छोड़ दो तुम्हारे कौन छोड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, अब कोई ना बचना, तुम अपने सारे दिन सही करो, अपना काम करो, और इनके चालाकी अभी एक बार पता लग गया ना इनकी तो हिट हो जाएगी, इनकी तो ट्रांसपोर्टर सारी डलवा देंगे हम, रेट ला तुम तो ले लो बहन सौ रुपये इन्हें साले के सारे गोडाउन पर ना दिल्ली वाले की बहन सौ ऐसी रेट लगी इन्हें पिछले अगले सारे हिसाब लिए जाऊंगे सर, ये जो उनसे बहन सौ भी दुकान से बन रहा है ना बारह रुपए लवली को पहले क्या था तू बहन से तुरा लेके रखे धक्का ले रखा तू बहन से तुरो रहा, इसको मैंने बड़ी वो करी थी उस टाइम तो सारा मेरे को तो सर ने कल भी बुलाया था फिर और कर भारत तो ऐसे ऐसे बहन मेरे को मन कर प्रवीण जी करने लाया नाम लिया देख लेना देख लिया देख लेना तेरा बहन तो मैं तेरी गड्डी कौन से रोकी मत पता कौन सा गलत करे पता ये गलत आदमी जब होता है जी। जब आपका काम एक नंबर का हो और मैं आपको दो नंबर का बना के तंग कर रहे हूँ इनको गलती होती है डिपार्टमेंट की जी, आप सारे दो नंबर का काम कर रहे हो गलत मान ले रहे हो तो उसमें डिपार्टमेंट क्या करो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं बल्कि सही बात है तुम इसका मतलब तो बैंड तो तुम्हारे पास सुने किसी की भी बिल्कुल जो बना बना बैंड तो पढ़ो ना करो सही बात है यही तो बात है कभी हो जाएगा कहीं जब इनकी गाड़ी होगी 100% तो ऐसा पाई 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 चलेगा जो कुछ है उसने बन लिया नोटिस बना जब तो इनकी सारा ये गाड़ी जब तक कर रहे थे बहन को जब भी आया था चार पांच बंदे लेके अपने साथ ना ये जब मैंने मैंने जब मैंने आपसे कहा था ना कि वो आया हुआ है वहाँ पे जब राजेंद्र ने भी आपको मैसेज किया था कि मैंने राजेंद्र से कहा था कि गुप्ता जी से कह रहा मुझसे बात कर लो अर्जेंट तब भी दिल्ली से चार पांच बंदे लेके आया था वीडियो बनाने के लिए ना आपकी जो मैंने राजेंद्र को आपके पास भेजा था तब भी ऐसे ही कर रहे मतलब इसका तब भी कुछ ये था मतलब ये सारे सरदार साले एक हैं सर जी ये साले हराम पद पे लगे हुए हैं और इसमें जितने दो नंबर के काम वाले होंगे ना मोटे मोटे वे सब इन्वॉल्व हैं मुझे तो ये बात पता है देखो छोटा आदमी जो होगा सर जी वो इतना हौसला नहीं कर सकता जिसके मतलब हफ्ते में शायद तीन गाड़ियां चार गाड़ियां इनका पता क्या है ये जो है ना सर ये क्या तो ये होगा प्रेशर बना के हम दो नंबर काम चालू करें अभी ना हाँ जी हाँ जी तो माल कौन सा देता है नवैन उसकी बता मेरे को बिल्कुल खबर मैं बताता हूँ आपको अगर बस काम है नवैन तो मारे लाखों का एंड गला न्यू पंजाब को रोक लो बेफिक्र होके आधी से ज्यादा गाड़ी मिलेगी उसको आपको उसकी न्यू पंजाब वाला तो पंजाब वाले को देखते हैं क्योंकि ना ये तो निकाल के रखे ये पंजाब वाले का पहले इसकी करते हैं सीआईडी न्यू पंजाब वाले की एक आध नंबर मुझे मिल गया तो मैं भी आपको डाल दूंगा कि गुप्ता जी उसकी गाड़ी भर गई है और निकाल रहा है मैंने नंबर तो मैं करवा लिया तो मैं वो तो कोई बात नहीं अब तक कहीं इस गाड़ी के अंदर ये पता लगता है ज्यादा उसकी है अगर कुछ हुआ तो मैं बता दूंगा आपको नहीं न्यू पंजाब वाले सरदार नहीं हो तो वहाँ का श्रीनगर क्या कहाँ श्रीनगर है सफील जो है सफील हाँ वही तो है न्यू पंजाब वाला सफील श्रीनगर वाला तो नहीं आ रहा था कहाँ पे तू तो नहीं करना आया कल आया था वो भी कल है कल वो भी आया था करनाल हाँ जी कल वो भी आया था वो भी आया था कल चलो मैं भी करता हूँ आपको थोड़ी देर में ना अगर कुछ पता चल गया तो बताता हूँ आपको ओके सर ये पहली गाड़ी जो हमने 3 मई को इनसे रिलीज़ कराई वो प्रशांत कादियान जी जो ETO साहब हैं उन्होंने पकड़ी थी
और फिर उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए की इसमें हमको RTGS दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बाद में हमारी उनसे सेटिंग हुई, तो सेटिंग में 2,25,000 की उनसे बात हुई थी, जिसमें 2 लाख मैंने उनको कैश दिए, उनके साले को मंजीत को पानीपत में संजीत चौक के नीचे फ्लाईओवर के नीचे जाकर रात में 10 बजे के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ से रात को 10:30 बजे के टाइम हम अपनी गाड़ी ले गए। उसके ये A to Z ट्रांसपोर्ट के नाम से गाड़ी थी, मेरे अपना मिलने वाला मेरा दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है हम लोग, वो कश्मीरी है, मैं दिल्ली से हूँ। उन्होंने मुझसे कहा यार ऐसी ऐसी बात है, ये हमारी करनाल में गाड़ी रोक ली है, तो मैं उनके साथ आया, फिर उनकी गाड़ी कादियान जी से लेकर गया। उसके बाद में फिर प्रशांत कादियान जी ने मेरे भतीजे की स्टीम कश्मीर ट्रांसपोर्ट के नाम से गाड़ी रोकी, और उसमें भी डिमांड वही 5 लाख रुपये तो उनके हैं कन्फर्म, पहले डिमांड जो होती है वो 5 लाख की होती है, फिर नेगोशिएट स्टार्ट होता है। तो मेरे भतीजे की गाड़ी में उन्होंने 65,000 रुपये की RTGS ले ली, जो गवर्नमेंट के खाते में चली गई टैक्स पेनल्टी के साथ, और 2 लाख रुपये उनके दूसरे साले ने जिसका नाम बलराम है उसको दिलाए पानीपत अनाज मंडी में जी। ठीक सर, फिर अभी रिसेंटली फिर ये अपना प्रवीण जी ने ETO साहब जो हैं प्रवीण साहब, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरे भतीजे की आसिफ की, पहले 2 लाख समथिंग की कुछ RTGS की बात हुई, फिर गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही 1 महीना, उनसे नेगोशिएट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो 40,000 की हमने उसमें उनको RTGS दी और 1,00,000 रुपये हमको हाथ से उनको कैश देना पड़ा। तो ये सर आम हो गया है यहाँ पर, जितने भी ETOs हैं इनके लिए आम हो गया कि गाड़ी रोक लो, ये लोग आएंगे नेगोशिएट करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे और गाड़ी लेकर जाएंगे। हमारी मजबूरी होती है सर, क्योंकि लोगों की अमानत हमारे पास होती है, उनके माल हमने टाइम से डिलीवरी देने होते हैं, अगर हम टाइम से नहीं करेंगे, दिल्ली की मार्केट में भी कॉम्पिटिशन है, एक ट्रांसपोर्ट छोड़ 100 ट्रांसपोर्ट हैं, माल पार्टियाँ जो हैं दूसरों को माल देने लग जाती हैं, तो हम मजबूरी में गाड़ी फंसी होती है, हम भी मजबूर होते हैं, किसी में किशमिश होती है, किसी में छुआरा होता है, किसी में कुछ होता है, माल गड़ने सड़ने का डर होता है, खजूर होती है उसमें कीड़ा लग जाता है, तो इस वजह से इन लोगों को हम भी दे लेके अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादती है सर, आम हो चुकी है ज़्यादती यहाँ पर, ख़ास तौर से करनाल में, सिर्फ करनाल में, पूरे हरियाणा में टेंशन तो रहती है हमको जब हमारी गाड़ी हरियाणा में एंटर करती है तब से, लेकिन जब तक शंभू बैरियर क्रॉस नहीं होता हम रातों की नींद आराम से नहीं सो पाते सर जी, बहुत परेशानी है कि हमारा जो DTC है उनको भी जाता है, सबको जाता है, कहते तो यही है, अब ये किस किस को देते हैं नहीं देते अपने घर ले जाते हैं ये जानते होंगे, लेकिन कहते यही हैं सभी ट्रांसपोर्ट वाले कश्मीर के हैं ऑलमोस्ट। अगर ऑन द रोड बात करते हैं तो ये होता है कि जी 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 से नीचे तो बात ही नहीं होती रोड पर भी, जिसकी गाड़ी जैनियन है उसकी भी, अगर जिसकी गाड़ी में कुछ लगा कि हाँ भी कुछ होगा तो फिर उसके साथ बार्गेनिंग स्टार्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं कंटिन्यू। अब जी होता है पहले 5 लाख की सुनाते हैं ट्रांसपोर्टर को, उसके बाद में होता है कि जी क्या दोगे, क्या लोगे, कैसे करोगे, ड्राइवर के थ्रू बीच में किसी बंदे को डाल के, ब्रोकर को डाल के, या जैसे कादियान साहब हैं वो अपने सालों को बीच में डाल के किसी ना किसी थ्रू से किसी कोई ना कोई वे आउट ऐसा निकालते हैं कि वो बंदा बीच में आता है उसके थ्रू सारा नेगोशिएट करके जो कैश का अमाउंट होता है वो उन लोगों को दिलवा दिया जाता है और RTGS यहाँ पे दफ्तर में मंगा कर और गाड़ी रिलीज कर दी जाती है। कितने लोग लिंक अप हैं आपस? मेरे हिसाब से कम 8-10 लोग। अब जैसे प्रवीण जी हैं तो उनके साथ उनके इंस्पेक्टर हैं, कादियान साहब हैं उनके साथ में उनके अपने इंस्पेक्टर भी है, ड्राइवर भी है, सभी के साथ है, मतलब ये सारे मिले हुए हैं टोटल। कितने टाइम से चल रहा है ये सब बात? सर जी हम तो तकरीबन 2-2.5 साल से भुगतते चले आ रहे हैं, जब से GST, जब खासतौर से जब से GST आया है तब से तो बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मुनीर खान है सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट है, कश्मीर का ही काम करता हूँ मैं भी, और हमारी भी गाड़ियाँ मतलब 1-2 मरतबा यहाँ पर रुकी, हमने चेक कराई हैं तभी से, मतलब ये है कि बस अनर्थ है जी, अनिधि ढा रखी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये करते हैं कि प्रशांत कादियान को, प्रवीण जी को, सत्येंद्र, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हमें इस रोड पे चाहिए ही नहीं, जहाँ पे हमारी ट्रांजिट की गाड़ियाँ निकलती हैं वो हमें इस रोड पर नहीं चाहिए। यहाँ से हटाए, करनाल से हटा के अगर उनको अम्बाला भेज दिया सर वो हमें फिर भी परेशान करेंगे, करनाल से हटा के सोनीपत पानीपत भेज दिया वो हमें फिर भी परेशान करेंगे, निवारण चाहिए हमें, निवारण ये चाहिए कि इस रोड पर वो हमें चाहिए ही नहीं। हमें मंत्री जी से यही मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का ट्रांसफ़र ऐसी जगह डाला जाए जहाँ पे इनको गाड़ी देखने के लिए ना मिले, तब इनको पता चलेगा। और कोई हमारे लिए से पूछे, जब हम मेहनत करते हैं रातों के 3-3 बजे तक गाड़ियाँ भरते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से खिलाते हैं और ये हमसे किस तरह से रिश्वतें मांग लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिटीज ने मेरे को अभी रूबरू कराया कि जी मंदी का दौर आ चुका है और विशेषकर जो सामान हिमाचल प्रदेश या जम्मू की तरफ जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण और जम्मू में
वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है जिसमें माल की आवाजाही बहुत कम हो रही है, तो इस वजह से उनके कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इस दौरान जो उनकी ग्रीवेंस मेरे सामने आई कि कुछ हमारे करनाल के अधिकारियों ने एक गाड़ियों को रोका है, जिन गाड़ियों में रोका हमने उन सभी ट्रांसपोर्टरों से यही कोऑपरेशन मांगा है कि उसमें प्रॉपरली वो चेक करवाएं, अगर टैक्स पेनल्टी वाजिब होगी तो ज़रूर लगा के तभी गाड़ी को रिलीज़ किया जाएगा। और उनका ये था एलिगेशन कि कर्मचारी या अधिकारी किसी मैलाफाइड इंटेंशन के कारण रोकते हैं तो उस काम पे पूरी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा अगर उसने कोई मैलाफाइड इंटेंशन के कारण गाड़ी को रोका है। सर, पैसे की बात, वीडियो सत्यवीर पर पैसे के आरोप, मंथली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो सत्य सिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनकी सर तीन दिन से गाड़ी खड़ी है, टीवी बिल है इनके पास, तीन बिल है, उससे कोई ऑब्जेक्शन क्या लगाया गया है? उसको जीएसटी के तहत एक चलान है, उसमें कॉलम नंबर 3 है कि जब भी द जेन्युइन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इट्स क्वालिटी एक्सेट्रा एंड और टेंडर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फर्दर वेरिफिकेशन, ये MOV चलान नंबर 1 का कॉलम, MOV चलान नंबर 2 का कॉलम नंबर 3 है, इसके ऊपर इसके तहत उन्होंने रोका है इसकी फर्दर वेरिफिकेशन। जो इंस्पेक्टर यहाँ लगाए गए ड्यूटी में, सर उनका जो है रोस्टर है उसके अनुसार उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है? नहीं, जो अधिकारी इन्फोर्समेंट के होते हैं वो उन अधिकारियों का काम ही रोड पर रहना होता है, वो AETO स्तर के अधिकारी होते हैं। रोस्टर जो होता है वो ETO स्तर के अधिकारी का होता है, और रोस्टर मेरे यहाँ से ही बनता है, DTC ऑफिस से, जॉइंट रेंज अम्बाला से बनता है, वह रोस्टर मुख्यालय से बनता है। तो इसकी 3 दिन से वेरिफिकेशन हुई नहीं थी, सर आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद ये एक्शन में आना चाहिए। मैं पहले एक बार उनका जवाब दे, जब GST लॉ के तहत जब गाड़ी रोक ली जाती है, जब तक माल का मालिक नहीं आ जाता तो उसके बगैर अधिकारी अपने आप अपने स्तर पर कुछ नहीं काम कर सकते। जब माल का मालिक ये कहता है कि मैं फलां दिन आऊँगा, उस दिन आके आपके सामने वेरिफिकेशन करवाऊँगा, तो तभी की जाती है। जी आप बताएं जी। जैसे चेकिंग होती है जी, आधे घंटे बाद ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपना ETO नंबर देना तक भी ठीक नहीं समझता, तो ये लोग कहाँ धक्के खाएंगे? देखो, नंबर देना तो वो उसके दोनों मीनिंग निकलते हैं, नंबर से कोई आदमी श्राद्ध भी कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें लिखा है कि भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फर्दर वेरिफिकेशन, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है, वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी होती है, और वो फिजिकल वेरिफिकेशन आप समझ ही सकते हैं कि गाड़ी के आमने सामने जब माल का मालिक आ जाता है तो उसके सामने ही होगी। कहीं ना कहीं ड्राइवर को बीच में डालकर सर पैसे की बात की जाती है, इसके ऊपर क्या एक्शन? इस चीज़ों की मैंने जो आज की हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आए हैं उनसे भी इन डिटेल सारी चीज़ें मांगी हैं कि किसने क्या कहा, वो भी अपना इसमें कोऑपरेशन करें ताकि जो दोषी हो उसके अगेंस्ट पूरा एक्शन। जो चेकिंग के दर गाड़ी पकड़ी जाती है, कागजों में कमी पाई जाती है, कभी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, गाड़ी को मतलब पकड़ा जाता है, आपके अंडर में आती है गाड़ी, इसमें जो MOV चलांस हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हैं GST एक्ट में, उनके तहत ही कार्रवाई होती है सर। उसके तहत मैंने जैसे बताया कि जब माल का मालिक आ जाता है, उसके सामने माल को खुलवा के उसको थोरोली चेक करवा के उसमें जो बगैर बिल पर्चे के माल पाया जाता है या उससे बिल पर्चे से ज़्यादा माल पाया जाता है, उसके ऊपर टैक्स एंड पेनल्टी ली जाती है। एसोसिएशन से तकरीबन 25 मेंबर आज यहाँ पर करनाल सेल टैक्स ऑफिस में आए हैं। हमारी एक मेंबर की परसों 30 तारीख को सुबह 5 बजे से 6 बजे से गाड़ी रुकी हुई है, जिसके बारे में ये हमारे को कोई बात नहीं करना चाहता, जो ETO ने गाड़ी रोकी है ना, हमारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो देना चाह रहा है ना, वो कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना चाह रहा है, तो इसलिए इस विषय में हम इनको मिलने के लिए आए हैं। अभी एंटर करेंगे, जाके देखते हैं इनका क्या बिहेवियर हमारे पास रहता है, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, या क्या कार्रवाई चाहते हैं। पहले तो हमारे क्वेश्चन हैं 4 इनके ऊपर, आपने किस ग्राउंड के ऊपर हमारी गाड़ी रोकी है, वो ग्राउंड हमारे को ये क्लियर नहीं कर रहे, तो इसके बाद अगला स्टेप हम लेंगे कि जो भी करना होगा आगे भी अच्छी रहेगा आपको।
हाँ जी, अगर बात नहीं मानते तो आगे नहीं मानते तो हम तो कोर्ट भी जाएंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, खट्टर साहब को भी मिलेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे, हमारी पहले भी रविंद्र कौशिक जी से बात हो चुकी है, संजीव कौशल जी से बात हो चुकी है, और हम फर्दर भी जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। ट्रांसपोर्ट को कितनी देर ट्रांसपोर्ट अपना ऐसे उत्पीड़न करवाता रहेगा? आपके कागज पूरे थे गाड़ी? बिल्कुल कागज़ पूरे हैं जी, ई वे बिल भरे हुए हैं, जो इनको सूट नहीं करते इनको ये तो कहते हैं कागज़ छोड़ो, कागज़ गलती करो, हमारे को महीना दो और कागज़ों के बिना जाओ, इनको वो लोग पसंद हैं ज़्यादा। कहीं ना कहीं जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ जी, जानबूझ के तंग कर रहे हैं। जानबूझ के तंग करते हैं जी, करप्शन के लिए तंग करते हैं। मोदी सरकार कैसे खुले आम 50,000 रुपये महीना टीम मांगती है जी, यदि आपने काम करना है, यदि यहाँ से निकल के जाना है तो हमारे को 50,000 रुपये महीना दोगे तो काम कर पाओगे, हमारे को ये पैसे ऊपर तक देने पड़ते हैं, हमने ऊपर तक ये पैसे देने होते हैं, इसलिए 50,000 से काम हमारा नहीं चलता। क्या नाम है आपका? मनजिंदर पाल सिंह, एज ए चेयरपर्सन दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये तो आपका वो है जो चलान उन्होंने किया है? नहीं, ये एफिडेविट की कॉपी है। अच्छा, एफिडेविट इसकी एक। अच्छा, मैं दे रहा हूँ, अगला पार्ट भी दे रहा हूँ आपको जिसमें हमने लिखा है। अगला पार्ट का हर महीने आप देना ही देना ही देना है आप। ट्रांसपोर्टिंग का काम है उसके एवरेज में जी जी जी, गाड़ियों को जी जो आप सामान जो लेके जाते जी जी जी। और जबकि हम काम हरियाणा का नहीं करते, हम ट्रांजिट का काम करते हैं, हम दिल्ली से जे एंड के में जाते हैं, चाहे पंजाब में जाते हैं, चाहे हिमाचल में जाते हैं, हमारा कोई भी काम हरियाणा स्टेट से नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई भी रेवेन्यू जो हरियाणा स्टेट से कंसर्न करता है उसका कोई, हम इनका लॉस करते हैं कोई, ये लॉस खुद करते हैं, ये जो हरियाणा कंसर्न इनके डीलर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ये टच भी नहीं करते, उनको ये छोड़ते हैं खुलेआम ये, तो ये जो रेवेन्यू है, जो इनका रेवेन्यू कवरेज करनी होती है वो सारी ट्रांजिट गाड़ियों को करते हैं। ये प्रॉब्लम एक GST एक्ट में आई है जो उन्होंने क्लियर नहीं करा कि GST एक्ट में ट्रांजिट वाली गाड़ियों को टच नहीं करना, अदरवाइज जो सेल टैक्स में, सेल टैक्स में अभी आपकी बाइक सुनो, लेट अस एक फोटो कॉपी दे, दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आपका हिमाचल जाता है ये माल? जम्मू से। जम्मू जाता है? उन्होंने 3 बिल बनाए हैं एक साथ। पहले वो क्यों बनाए हैं? ऐसे कोई एक्ट ही नहीं है कि 3 बिल एक साथ बनाए, आप किसी को रोकने पे एक बंदे का काम है 3 बिल बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, लेकिन उसके साथ डंडा जो है ना होगा जी, हो गए जी, ऑलमोस्ट हो गए जी, फोन कर रहे हैं मैं, वो भी अंदर काम हो गया, रोज का काम, गाड़ी रोकना। अभी पवन आ गया, ठीक है, सब कुछ खत्म ही है इनके लोग आगे आगे उसके अलग अलग सेक्शन है, कोई सूट का काम है, कोई साड़ी का काम है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। आपको पूरी उन्होंने ईवे बिल के पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन भेज दी है, कह रहे को पार्टी बिल फाड़ दे, बिल फाड़ेगी, ईवे बिल थोड़ी ईवे बिल में जो सामान है वही इसमें है, वही है, ईवे बिल, अगर जिस बिल का नंबर का ईवे बिल्कुल पूरी पार्टी के इतना लाख करोड़ का धंधा। जल्दी करो, 6:30 हो गए पवन जी, अपने 6:30 11:30 हो गए। सर आप बोलेंगे भी हाय हेलो हाय करेंगे ना? एक मिनट आते आते ना यहाँ इधर सीधे हो जाना। यस, रेडी करो। इस तरह शाही नहीं चलेगी, DTC होश में आओ, DTC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, DTC होश में आओ, उल्टी नहीं चलेगी, वालों की मनमानी नहीं चलेगी, सत्यवीर रेडियो DTC सत्यवीर मुर्दाबाद 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 सत्यवीर मुर्दाबाद 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 हरियाणा सेल टैक्स हरियाणा सेल टैक्स पंजाब सेल टैक्स DTC सत्यवीर रेडियो सत्यवीर। आबकारी और कराधान विभाग जो है यहाँ करनाल का, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इनसे पैसों की डिमांड की जाती है हर गाड़ी को लेकर, इनकी 3 दिन से गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और इनका आरोप है कि अधिकारी इसमें
JBD Banquets laaye hain Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. Aise hi latest khabrein paane ke liye subscribe button par click kar bell icon ko dabaye.